हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शारदा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम आपको बताएंगे कि इसे हम फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं। बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है, इसलिए हम उसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी कि जैसे कि मानो एक बिल्डिंग बनती है, तो वो बहुत सारे ब्रिक्स की बनी होती है। उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? उसकी बेसिक यूनिट ब्रिक होती है। एज सेम एज इसमें सेल, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट सेल होता है। अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे। इसकी डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी अपने सेल्फ डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप में। वन थिंग आई वांट टू मेक यू क्लियर दैट वी कांट सी द सेल विदाउट माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने उसको देखा था, उसमें उन्होंने एक कॉर्क को स्टडी किया था अंडर माइक्रोस्कोप। वो एक बेसिकली एक बार्क होती है ट्री की, उसको उन्होंने स्टडी किया था। एंड उसमें उन्होंने देखा कि उसकी उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स, एंड दोज कंपार्टमेंट्स आर सिमिलर टू हनीकॉम। जैसा कि हम सब जानते हैं हनीकॉम का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो उसके उसके जैसा लग रहा था दिखने से। तो उन्होंने उसको नाम दिया सेल। उसको नाम सेल दिया। बेसिकली सेल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम। So we can see that cell is a organisms are made up of so many small rooms, we can say. And after that Schleiden and Schwann ne bhi discovery ki thi, unhone 1838 mein and 39 mein unhone cell theory di. And after that, in 1940, after the discovery of microscope, it has become easy to study cells. अब हम बात करते हैं, according to the number of cell, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। They are, the organisms are of two types, unicellular and the multicellular. एंड जैसे कि नाम से आप देख सकते हो कि योनि मीन्स दिस इज मेड अप ऑफ वन सेल एंड मल्टी सेलुलर इज मेड अप ऑफ मेनी सेल। अब मैं आपको जस्ट आई वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। Unicellular organisms, just I want to say you the example of few unicellular organisms like amoeba, paramecium, chlamydomonas, these are the unicellular organisms. And the multicellular are plants and animals, are the all are multicellular animals organisms. So unicellular mein kya hota hai, wo ek cell ke bane hote hain aur unka, just for example amoeba, and wo single cell hai, unki sari activities karta hai.
डन बाय सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर का प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स में दे हैव अ स्पेसिफिक सेल फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। Different functions. इनके में we can say that just I want to clear division of labor नहीं होता है, unicellular division of labor नहीं होता है, and multicellular में division of labor होता है. Just I want to make you clear that what is the division of labor. Division of labor का मतलब होता है कि the work is divided into different parts. कि multicellular में different parts में उनका division होता है, हर particular function के लिए उनका एक special cell होता है. इनमें रिप्रोडक्शन उस सिंगल सेल के थ्रू ही होता है, जस्ट सिंगल सेल पार्टी जो है वही पार्टिसिपेट करता है और टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। एंड इन दिस जर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो हमने देखा कि क्या यूनिसेलुलर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि क्या यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। उसका एग्जांपल होता है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स। और ये एक सेल के बने होते हैं एंड इनकी सारी लाइफ एक्टिविटीज जो होती है उस एक सेल से ही होती है एंड डिविजन ऑफ लेबर नहीं होता है, वो सिंगल सेल ही सारी एक्टिविटीज को करता है। एंड मल्टी सेलुलर में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट सेल होते हैं एंड डिवीजन ऑफ लेबर होता है एंड इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो जर्म सेल्स के द्वारा होती है। नाउ वी टॉक अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप एंड साइज जो सेल की होती है अकॉर्डिंग टू द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, दे आर इन द डिफरेंट साइज, वो डिफरेंट साइज के होते हैं उनके काम के आधार पर, जो उनकी जो सॉरी उनकी जो लोकेशन होती है बॉडी में उसके हिसाब से उनकी साइज होती है। तो जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू बाय अ डायग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस ऑफ द सेल। मान लिया कि जैसे मसल सेल होती है तो उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है एंड मैं सारे के स्ट्रक्चर सभी ड्रॉ करूंगी। दिस इज द मसल सेल एंड if this is a sperm cell, this will be like that. This is the sperm cell. Sperm cell hota hai. This is the ovum. अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व्स की स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, अलग अलग शेप एंड साइज के वो होते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लड सेल। ब्लड सेल की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। दिस इज द ब्लड सेल। ब्लड सेल, बोन सेल, बोन सेल्स आर ऑफ एज सेम एज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन।
This is the bone cell. Fat cell. Okay, fine. This is the structure of a fat cell. तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसकी लोकेशन के हिसाब से उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं. दिस इज़ द मसल सेल, दिस इज़ एलोंगेटेड एंड द फैट सेल जो है वो थोड़ा सा सर्कुलर है. स्पर्म सेल की अलग सी स्ट्रक्चर है एंड ओवम ओवम भी थोड़ा सा सर्कुलर है एंड द नर्व सेल की भी एक अलग सी स्ट्रक्चर एलोंगेटेड है, उससे थोड़े से ब्रांचेज निकले हैं. दिस इज़ द ब्लड सेल. बोन की भी डिफरेंट सी स्ट्रक्चर है. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द two types of cell we have. Now we move towards the prokaryotic and the eukaryotic cell. अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगी कि prokaryotic and eukaryotic क्या होता है. Just I say prokaryotic, just मैं थोड़ा बता दूं कि prokaryotic cell जो होता है, the animals, the organisms which contain the this cell are called prokaryotes and वो जो eukaryotic cell contain करते हैं वो उन्हें हम eukaryotes बोलते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि prokaryotes क्या होते हैं, eukaryotes क्या होते हैं और prokaryotic eukaryotic cells क्या होते हैं. जैसा कि नाम से just जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम से प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस बिफोर एंड कैरियोटिक का कैरियोटिक कैरियन से आया है तो उसको बोलते हैं कैरियन और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस. तो इसको हम कहते हैं कि बिफोर न्यूक्लियस, वो एनिमल वो ऑर्गेनिजम्स जो बिफोर न्यूक्लियस इवॉल्व हुए जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल होता है यू मींस ट्रू and carrion means karyotic comes from the word carrion jiska matlab hota hai nucleus. to inme true nucleus hota hai, inme nucleus nahi hota hai. so these are called prokaryotic and this is called the eukaryotic. mostly bacteria are the example of prokaryotic cells, unke mein true nucleus nahi hota hai. and hamare eukaryotic cells mostly animals and plants jo hote hain wo sab eukaryotic cell hote hain, unke mein hamare unke andar true nucleus hota hai. and mostly all the unicellular organisms jo hote hain wo sare prokaryotic hote hain and multicellular are eukaryotic and unke just I want to differentiate both the cells. unicellular are the and these are the multicellular organisms, unicellular organisms, multicellular organisms. iska example bacteria, isme plants and animals aate hain. plants and animals aate hain एंड इसमें राइबोसोम्स जो होता है डीएनए इसके इनसाइड में होता है. इसके यूकैरियोटिक में डीएनए इज इनसाइड द न्यूक्लियस. एंड प्रोकैरियोटिक में आउटसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. अब मैं आपको एक डायग्राम से प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को एक्सप्लेन करूंगी. प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल.
इसे फ्लैजुला कहते हैं। इसके अगर बैक्टीरिया, तो इसके द्वारा उसकी इसकी मूवमेंट होती है, वो लोकोमोशन में, फ्लैजुला इज यूज इन लोकोमोशन। एंड इसका इरेगुलर न्यूक्लियस तो होता नहीं, दिस इज ऑफ इरेगुलर शेप, न्यूक्लिया इज ऑफ इरेगुलर शेप, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एंड ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, डीएनए आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड राइबोसोम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी अपैरेटस एक्सेट्रा, एंड यूकैरियोटिक में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल जो कि बेसिकली यूकैरियोटिक सेल होता है। इसे माइक्रोविलाई कहते हैं, माइक्रोविलाई। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन एंड द इनर वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन This is the nucleus. Nucleus. इससे न्यूक्लियस से सटे एक स्ट्रक्चर होती है एंड इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन पे स्मॉल स्मॉल रफ राइबोसोम्स लगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज सेंट्रियोल। And this is mitochondria. This is mitochondria. And these are the lysosomes. अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी इनके पार्ट्स का, सेल ऑर्गेनल्स का। एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, द सेल इज फिल्ड विद दिस जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। दिस इज द गॉल्जी अपैरेटस।
कौन सी ऑपरेटर्स थे endoplasmic reticulum, and this is the endoplasmic reticulum is of two types. This is the endoplasmic reticulum smooth, the smooth endoplasmic reticulum. Okay, fine. So this is the structure of an animal cell, and now I'll draw a structure of a plant cell और फिर हम उसके parts को discuss करेंगे. Sorry, this is nuclear membrane. Now we are going to do just I'll draw a plant cell after that. इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि cell membrane है, outer is a cell membrane and the inner one is the plasma membrane, Golgi apparatus and cytoplasm, वो fill होता है cytoplasm से and smooth endoplasmic reticulum, nucleus, mitochondria and rough endoplasmic reticulum, nuclear membrane and the centriole. Now I am going to, this is these are the ribosomes. Sorry. Now I am going to draw a picture of a plant cell, then we will discuss both. प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस थोड़ा साइड में चला जाता है. एंड दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द वैक्यूल एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. ये जो वैक्यूल्स की वजह से दोनों में डिफरेंस होता है कि ये लार्ज वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस थोड़ा साइड होता है एंड इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. प्लांट सेल में सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है. न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. Mitochondria, this is the mitochondria. Mitochondria, this is the endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. ये होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम. दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लास्ट एंड गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी अपरेटस. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता है. ओके,
अब हम स्टूडेंट्स अब हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज वो अपने लिए भी फूड बनाता है, एनर्जी अपने लिए भी क्रिएट करता है, एंड वो बाकियों को भी जो ज़रूरत होती है, बाकी सेल्स को, उन्हें भी एनर्जी प्रोवाइड करता है. ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन का बना होता है. जस्ट दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड दिस इज़ कैसे दिखाएं. Both the plant and animal cell, you can see that this is the animal cell and इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, राइबोसोम्स ऑल आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस. जस्ट डिफरेंस इज दैट दिस इज द प्लांट सेल एंड डिफरेंस इज दिस इज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट एंड द सेल वॉल. इनकी डिफरेंस होती है इन दोनों सेल में. और तो अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इज द माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, बिकॉज वो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन का बना होता है, वो अपने लिए भी फूड बनाता है एंड वो बाकी को भी एटीपी के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बाकी पार्ट्स को भी. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. वो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन का बना होता है. सो दिस इज द मेम्ब्रेन. आउटर वन जो होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है and the inner membrane is complex. Membrane and inner membrane जो होता है वो थोड़ा सा complex होता है structure में, complex in structure. उसमें बहुत सारी ये fold जैसी structures होती हैं जिन्हें हम cristae बोलते हैं. This is called cristae. एंड फिल्ड होता है मैट्रिक्स से. दिस इज द मैट्रिक्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एंड ये दोनों सेल में पाया जाता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में. ये फोल्डिंग्स होती हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं. स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स होती है. एंड दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की. अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, जैसा कि हमने पढ़ा है पहले कि न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंस सिर्फ यही है कि वो थोड़ा प्लांट सेल में थोड़ा स्मॉल होता है, छोटा होता है ड्यू टू द लार्जर वैक्यूल इन द प्लांट सेल. एंड एनिमल सेल में थोड़ा बड़े साइज का एंड सेंटर में होता है, एंड प्लांट सेल में वो सेंटर में नहीं होता है. तो न्यूक्लियस में उसका जो आउटर होता है वो दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं. वो जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू जो मटीरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में जाता है उसके इन पोर्स के थ्रू. This is the nuclear membrane. Nuclear membrane हो गया. And इसके अंदर chromosomes होते हैं, rodent structures होते हैं. These are called chromosomes. And और वो इनके अंदर जो chromosomes होते हैं और ये जो chromosomes होते हैं ये बने होते हैं प्रोटीन एंड क्रोमोसोम्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, प्रोटीन एंड डीएनए. एंड ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. तो प्रोटीन और डीएनए जो है उसकी जो एक सेगमेंट होती है उसको हम जीन कहते हैं. दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल. तो न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस इज वो प्लांट में, जैसे कि मैंने अब तुमको बताया कि प्लांट में थोड़ा छोटा होता है, एनिमल में बड़े साइज का होता है, वो सेंटर में होता है. एंड उसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. और वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए.
एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स होते हैं जिन जो दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स जिसके द्वारा वो बाय विच द मटेरियल ट्रांसफर थ्रू द साइटोप्लाज्म. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द गॉल्गी अपैरेटस. गॉल्गी अपैरेटस जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली फ्लैटन वेसिकल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है जो स्टॉक्ड होते हैं एक दूसरे पे. जस्ट आई ड्रॉ इट. एंड इसको कैमिलो गॉल्गी जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था एंड उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. एंड दिस इज इट इज़ फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल. ये स्ट्रक्चर होती है गॉल्जी अपैरेटस की. दिस इज द वेसिकल. और ये जो बहुत सारे सैक्स होते हैं, दीज द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्ना कहते हैं. सिस्टर्ना करते हैं. दीज आर वेसिकल्स एंड द गॉल्जी अपैरेटस इज बेसिकली फॉर द प्रोसेस ऑफ processing the fat and protein inside the cell. उसकी processing करता है. तो आप देख रहे हैं कि ये stacked होते हैं एक दूसरे पे, many many sac like structures होती हैं. इसे हम सिस्टर्ना बोलते हैं जो इनके ऊपर स्टैक्ड होती हैं एक दूसरे पे. एंड उसमें वो वेसिकल्स होते हैं और ये इनका मेन फंक्शन होता है प्रोसेसिंग ऑफ फैट एंड प्रोटीन इन द सेल. एंड दिस गॉल्गी अपैरेटस इज अवेलेबल इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल. अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. आपने देखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और ये दो टाइप का होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं. जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी अपैरेटस, दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो स्ट्रक्चर होती है जैसा कि हमने सेल एनिमल एंड प्लांट सेल में देखा है कि वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम, जस्ट आई ड्रॉ इट एंड शो यू. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड इस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये डॉट जैसी स्ट्रक्चर होती है एंड दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो वो स्मूथ होता है, उसमें कोई डॉट्स नहीं होते, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता. दिस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है. स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स लगे होते हैं. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड एंड लिपिड की एंड फैट एंड लिपिड की फॉर्मेशन होती है. फैट एंड लिपिड की फॉर्मेशन होती है. लिपिड की फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय दिस एंड वो जो प्लांट सेल वॉल के लिए प्लांट सेल में ज़रूरी होता है वो यहीं से जाता है. इसलिए रिक्वायर्ड फॉर सेल वॉल इन प्लांट. सेल वॉल इन प्लांट सेल. तो आपने देखा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उस पर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं. राइबोसोम्स इज बेसिकली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. दिस उनका फंक्शन होता है राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस का. एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनसे लिपिड एंड फैट फॉर्म होती है और वो सेल वॉल के लिए प्लांट सेल में जो जैसे ज़रूरी होता है वो सप्लाई होती है. तो दिस इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ वी टॉक अबाउट द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल एंड ये एनिमल एंड प्लांट दोनों में पाया जाता है. एंड ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है बेसिकली. एंड यू कैन सी द लाइसोसोम्स इन एनिमल सेल. लाइक दिस इज द लाइसोसोम्स सर्कुलर स्ट्रक्चर. दीज आर द लाइसोसोम्स. एंड ये लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे. लाइसोसोम्स को हम लाइसोसोम्स का एक और भी नाम है. इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं. लाइसोसोम्स इज कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग. सुसाइडल बैग. अब हम इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी. लाइसोसोम का बेसिकली काम होता है उसकी सेल की क्लीनिंग करना. उसमें जितने भी फॉरेन मटेरियल्स आते हैं उनको वो लाइसोसोम्स के अंदर इंजाइम्स होते हैं. मान लो दिस इज द लाइसोसोम एंड इट इज़ फिल्ड विथ इंजाइम्स. वो इंजाइम्स से भरा होता है. जो इंजाइम्स जो हैं दीज डिकम्पोज द फॉरेन मटेरियल्स. वो डिकम्पोज द फॉरेन मटेरियल्स तो जितने भी बेकार की चीज़ें होती हैं सेल के अंदर उनकी क्लीनिंग लाइसोसोम से होता है. वो उनके अंदर जो एंजाइम भरा होता है वो उसको डिकम्पोज इजिली डिकम्पोज कर देता है फॉरेन मटेरियल्स को. बट वाई वी टेल लाइसोसोम एज अ सुसाइडल बैग. नाउ आई विल एक्सप्लेन. वो जो उनके अंदर एंजाइम होता है अगर वो सेल डैमेज हो जाती है. इफ द सेल गेट डैमेज्ड तो वो जो उनके अंदर एंजाइम्स होता है वो सारा वो डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. उसके बाद वो उसकी उसे सेल को डैमेज कर देते हैं उससे. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ सुसाइडल बैग. व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड द डैमेज्ड अ लाइसोसोम गेट बर्स्ट. Get burst and enzymes destroy the cell. तो वो एक हद तक वो अच्छा है सेल के लिए. बट अगर वो डैमेज होती है तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. तो इसीलिए हम उसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं. एंड अब हम अगर राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ सेल. एंड द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना. प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट इज डॉटेड लाइक अ स्ट्रक्चर. प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में अवेलेबल होते हैं. तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड द क्लास.
एंड रेस्ट हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू. Thank you.